ये है एक ज्यूडिशरी एस्पिरेंट और ये लिख रही है अपना मेंस का एग्जामिनेशन और आपको पता है पेपर कौन सा है पेपर है जजमेंट राइटिंग अब क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जजमेंट राइटिंग का पेपर एक्सक्लूसिवली कौन-कौन से स्टेट में आता है तो हियर आई एम माय नेम इज पूजा पांडे आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ एलए आज मैं फिर से आई हूं हमारी सिलेबस एक्सप्लेनर सीरीज में साथ और आज जो स्टेट मैं टेकअप करने वाली हूँ वो है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां पर जजमेंट राइटिंग का पेपर एक्सक्लूसिवली आता है तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की जो एग्जाम होता है छत्तीसगढ़ सिविल जज का वो तीन स्टेजेस में होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन और जो थर्ड राउंड है वो है पर्सनल इंटरव्यू या वाइवा वो से अब वन वन बाय इनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को अगेन मैं इसे आपको दो पार्ट में बताऊंगी पैटर्न क्या होगा एग्जामिनेशन का और सिलेबस क्या होगा तो पहले पैटर्न को डिस्कस करते हैं ये प्री एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है हंड्रेड हर क्वेश्चन वन मार्क का है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर आप आराम से गेस्ट वर्क कर सकते हैं अगर आप सर्टेन और श्योर sure नहीं है किसी आंसर के लिए यहाँ पर आप मेरिट से बाहर नहीं होंगे टाइम आपको टोटल मिलेगा दो घंटे का और टोटल मार्क्स विल बी हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन वन मार्क तो हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा अब आते हैं सिलेबस पे सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज तो यहाँ पर ये है कि यहाँ के पेपर में जीके नहीं आता तो जिनके लिए जीके एक हर्डल है जो जीके पढ़ना अवॉइड करते हैं छत्तीसगढ़ कैन बी अ टारगेट स्टेट फॉर देम अब जो लॉ का पेपर है वो मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है मैंने नहीं डिवाइड किया कि सिलेबस है मैंने प्रेजेंट करने के लिए डिवाइड किया है की कि सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाते हैं तो तीनों प्रोसीजर लॉज आते हैं सीआरपीसी सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट

टारगेट कर सकते हो काफी कुछ सिमिलर है दोनों स्टेट्स में अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन को इसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस तो पहले पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का है सारे मेंस डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं आप इसे इंग्लिश और हिंदी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं सिर्फ एक पेपर होता है सबसे अच्छी बात ये है और वो पेपर होता है जजमेंट राइटिंग का जजमेंट राइटिंग जिनका वीक है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जजमेंट राइटिंग एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के साथ आप कमांड उस पर पा सकते हो तो आप आराम से प्रैक्टिस करिए और इस स्टेट को टारगेट करिए जो नंबर ऑफ पेपर है वो वन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ड्यूरेशन विल बी थ्री इस आपको तीन घंटे मिलेंगे जजमेंट राइटिंग का पेपर करने के लिए और जो टोटल मार्क्स लॉटेड है वो है हंड्रेड अब आते हैं सिलेबस पे सिलेबस में आता है सिविल जजमेंट क्रिमिनल जजमेंट दोनों फोर्टी मार्क ईच का क्वेश्चन होगा फिर आता है ट्रांसलेशन ये दो तरीके के आएंगे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क एज तो ये हो गया मेंस का सिलेबस अब आते हैं लास्ट और थर्ड राउंड पे दैट इज पर्सनल इंटरव्यू ये यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू से 15 मार्क्स का होता है और जो क्वेश्चंस आर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स से वो किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं जनरल आउटलुक लीगल आउटलुक सोशल आउटलुक आपकी क्या पर्सनालिटी है इंटरव्यू काफी हद तक उस पर भी डिपेंड करता है आपका रिज्यूमे क्या है आपका पास एक्सपीरियंसेस क्या है इंटर्नशिप के जॉब के अकेडमिकेशन के इन सब पर आपका इंटरव्यू काफी हद तक डिपेंड करता है सो so, ये था पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और स्टेट का सिलेबस इसी तरीके से बनाऊं तो वो भी मुझे बता सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट